रोहित कुमार, मेरा घर झारखंड में पड़ता है। मैं स्टेट बैंक का कर्मचारी हूँ और मैं अभी आसनसोल में स्टेट बैंक में पोस्टिंग मेरा है अभी। दरअसल कुछ वर्षों से मैं बालों की समस्या को लेकर काफ़ी जूझ रहा था और अगर देखा जाए तो इसके चलते काफ़ी एम्बरेस भी फील होता था मुझे बीच बीच में। और काफ़ी सालों से बहुत कुछ ट्राई किया, कभी बहुत तरह के शैम्पू, बहुत तरह के तेल को ट्राई करने के बाद कुछ मेडिसिन भी ट्राई किया गया लोकल में डॉक्टर के पी से, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आया और ख़राब होते गया। अगर सही मायने में बोला जाए तो लगभग होपलेस ही हो गया था कि शायद और ये इसी तरह से तो लाइफ काटना पड़ेगा ना क्या। फिर देखते देखते एक दिन यूट्यूब में मुझे कॉस्मो एड क्लिनिक, डॉक्टर आनंद नागवानी सर कोलकाता का एक वीडियो मिला। इसमें वो सोहेल नाम के किसी लड़के का हेयर ट्रांसप्लांट किए थे सर ने, तो उनका इंटरव्यू था। इसको देख के मुझे काफ़ी सहज महसूस हुआ और लगा कि बहुत सच्चाई महसूस हुआ उस वीडियो को देखने के बाद। और उसमें जो नंबर दिया हुआ था व्हाट्सएप में संपर्क करने के लिए, मैंने उसी दिन लगभग वो वीडियो देखने के बाद संपर्क किया ऑफिस में उनके, और ये दिसंबर महीने की लगभग बात है। इसके बाद मुझे बोला गया कि आप ठीक है, आप आइए और सर से आके अपॉइंटमेंट लीजिए। सर का अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे बहुत ही जल्द और मैंने आके सर से सारी बात की। सर का बिहेवियर और डाउन टू अर्थ में है सर कि क्या बोला जाए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े डॉक्टर से इस तरह से वो खुल मिल के एकदम दोस्त के जैसे बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आइए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और आप बिल्कुल भी होपलेस मत होइए। और मुझे बहुत ही जल्द मेरे सुविधा अनुसार सर ने मुझे तारीख भी दिया, तो जनवरी महीना में बोला आप जिस भी डेट को आप जैसे आपका लीव एडजस्टमेंट होता है आप आइए और आके ये करा लीजिए, आपका अपना हेयर ट्रांसफ़र करा लीजिए। तो मैंने अपना एक डेट फिक्स किया अपने लीव अनुसार और आए सर के क्लिनिक में सुबह। उस दिन थोड़ा सा घबराया हुआ ज़रूर था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सर ने आने के बाद और सर और उनकी फुल टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझको और लगा कि मुझे एकदम नॉर्मल रखा, जैसे कोई भी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ना कोई दर्द ना कोई हिचक, कुछ भी नहीं महसूस होगा आपको। और उनकी टीम काफ़ी सपोर्टिव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनकी टीम से मिलके जो इतना सपोर्टिव थे और काफ़ी एक्सपीरियंस भी लगे वो लोग और सबने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने जो ओटी सेटअप देखा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सर का ओटी सेटअप। और उसमें जो आपका ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांट जो ये देखभाल हो रही थी, आपका पल्स रेट को और बाकी चीज़ जो बीपी को जो मॉनिटर किया जा रहा था, इससे लगा कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है। सर ने बीच में मुझे जस्ट बातचीत करते हुए गाना सुनते हुए मेरा कब सर्जरी हो गया मुझे पता भी नहीं चला। और उसके बाद सर के यहाँ ही मैंने खाना वाना खाया, सर से बातचीत हुई, फिर मैं यहाँ रुका रात को क्योंकि मेरा घर दूर था। सर ने खुद से यहाँ अपने क्लिनिक के ऊपर जो वहाँ मुझे एडजस्ट किया और मेरे साथ जो दोस्त थे दोनों के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। फिर अगले दिन सुबह सर ने अच्छे से मुझको गाइड करके सब कुछ देखने के बाद मुझे कुछ दिन बाद फिर बुलाया गया कि आइए एक बार 4-5 दिन बाद आके अपना एक बार जो हेड वॉश होता है वो करा लीजिएगा। वो कराने के बाद हम गए, सर के देखते रहे, सर मॉनिटरिंग की अच्छा से। उसके बावजूद मैं जब भी संपर्क करना चाह रहा था उनके ऑफिस में, कभी भी बीच में उसके बाद, तो वो सब कुछ हो रहा था, हमेशा भी अच्छा रिप्लाई आता था। उसके बाद आज पहला PRP के लिए मैं आया हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। और एंड सर ने अभी भी चेकअप के बाद मुझे बताया कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और शायद ये मेरी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग मोड हो सकता है, और मैं इसके लिए सर और उनकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों को और जो भी भाई मेरे बंधु ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आइए एक बार सर से मिल के तो देखिए। हाँ, आपको पता चलेगा कि आपका समस्या का इलाज बहुत ही बढ़िया रेट में और बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों होगा। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप आके कम से कम सर का ओटी सेटअप सर से मिल के जाइए, फिर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी लोग अपने बालों की समस्या से जूझ रहे हैं उनको बहुत ही सहूलियत होगी। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आइए एक बार सर से मिल के जाइए, कम से कम आपको पता चलेगा।